अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कंडेंस मिल्क की रेसिपी। कंडेंस मिल्क को हम यूज़ करते हैं स्वीट्स, केक और आइसक्रीम में। तो आज मैं बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है कि अब आपको इस रेसिपी के लिए या फिर कंडेंस मिल्क के लिए मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। तो फ्लेम को ऑन करते हैं और एक बर्तन में डालते हैं फुल फैट दूध, हाफ लीटर दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, फुल फैट या फिर लो फैट। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे तकरीबन एक कप और ग्राम्स में है 150 ग्राम। तो इसे हम कुक करते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे, चम्मच हम इसमें चलाते रहेंगे। तो हम इसे इतना पकाएंगे कि ये जो हमने दूध ऐड किया है ये पक के हाफ से भी हाफ रह जाए। तो मैं आपको एक और भी बात बताना चाहती हूँ, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बनाते हुए, तकरीबन 25 से 30 मिनट तो लग जाते हैं अगर आप पास खड़े होकर बना रहे हैं। लेकिन अगर आप बीच में कोई और काम करना चाहते हैं तो आप इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। तो बेस्ट तो यही है कि आप पास खड़े हों, चम्मच चलाते रहें और तकरीबन 25 से 30 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, मैं इसमें चम्मच चलाई जा रही हूँ, फ्लेम को कभी हाई रखती हूँ और कभी लो कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो अच्छे से पक रहा है। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर हो रहा है इसका। तो हम इसे थोड़ा सा मज़ीद और पकाएंगे। तो ये मैंने हाई फ्लेम पे इसको पकाया है, तकरीबन मुझे 25 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। तो अब यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये जो आप ये देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पहले से गाढ़ा हो चुका है। हम इसी स्टेज पर इसको फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि ये जब ठंडा हो जाता है ना तो ये तब भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा नज़र आ रहा है आपको, लेकिन ये जब ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही ये सिंपल सी रेसिपी है, आप इसे घर में बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो इसे हम ठंडा करेंगे और किसी भी एयर टाइट जार में डाल के आप इसे फ्रिज में रखें और आप इसे यूज़ कर सकते हैं केक में, आइसक्रीम में और स्वीट्स में। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया, और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं कि ये किस तरह की है। तो माशाल्लाह देखिए हमारा कंडेंस मिल्क तैयार है। इस कंडेंस मिल्क के लिए आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आप इसे घर में बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए किचन विद रवि। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा कंडेंस मिल्क तैयार है। तो अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।